हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट डोसा बैटर की रेसिपी, साथ ही क्रिस्पी मसाला डोसा की रेसिपी। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे 2 कप नॉर्मल राइस लिया है, आप बॉयल राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसी कप से मैंने 1/2 कप उड़द की दाल ली है इस तरह से, और उसी कप से मैंने लिया है 1/4 कप चने की दाल। चने की दाल से टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून के करीब मेथी के दाने लिए हैं। अब इन दोनों को अलग अलग भिगोना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े से बाउल में 2 कप राइस को ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ पे बॉइल्ड राइस का यूज़ होता है, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी नॉर्मल राइस का यूज़ कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। और अब इन्हें अच्छे से धो लेना है। अब दूसरे बाउल में उड़द की दाल, चने की दाल और मेथी के दाने, इन तीनों को ऐड कर देना है। राइस और दाल दोनों को अलग रखने का रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इन दोनों को मैंने अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लिया है और बहुत सारा पानी डालकर अब इनको कम से कम 5 या 6 घंटे के लिए भिगो के रख देना है, जब तक ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो 6 घंटे मैंने इनको भिगो के रखा है, और अब ये जो दाल है और राइस है वो दोनों ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से भीग चुके हैं। तो फिर से इन्हें 3 से 4 बार क्लीन वाटर से वॉश कर लेना है। तो मैं इनको धो लेती हूँ फिर से। तो मैंने दोनों को 3-4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। सबसे पहले दाल को ग्राइंड करना है, तो उसे मिक्सर के जार में ले लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दाल को अलग क्यों रखा है। दाल को हमें एकदम बारीक पीसना है, इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा 1/4 कप के करीब पानी ऐड करके इसको एकदम बारीक पीस लूँगी। इसको एकदम बारीक ग्राइंड करने के बाद भी आपको इसे थोड़ी देर के लिए ग्राइंडर में पीसते रहना है, ताकि इसमें अच्छे से हवा भर जाए और ये इस तरह से फ्लफ़ी हो जाए। आप देख सकते हैं ये एकदम बारीक, फाइन और फ्लफ़ी हो चुकी है। इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। मैं आपको फिर से इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। और अब उसी बाउल में मैं राइस को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इन दोनों को अलग क्यों रखा है। तो राइस को हमें यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा पीसना है, इसको बारीक नहीं पीसना है। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 3 टेबलस्पून फ्लैटन्ड राइस, यानी कि पोहा जो इस तरह से आता है। तो ये 3 टेबलस्पून ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा कलर, टेस्ट एंड टेक्स्चर आता है। साथ ही 1 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और अब राइस को एकदम कोर्सली ग्राइंड करना है, इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। तो दाल को एकदम बारीक और राइस को इस तरह से दरदरा पीसना है, इसीलिए दोनों चीज़ों को अलग रखा है। तो अब दाल के साथ ही जो राइस को ग्राइंड किया है उसको ऐड कर देना है, और थोड़ा सा पानी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करके सारा बैटर निकाल लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के लिए हाथों का यूज़ करना है। हाथ से इस बैटर को 5 मिनट तक अच्छे से फेंटना है, ताकि इसमें अच्छा एरिएशन हो जाए और हाथ की गर्मी की वजह से इसमें फर्मेंटेशन जल्दी और अच्छा हो। तो अब इसको कम से कम 8 घंटे के लिए ढक कर फर्मेंट होने के लिए रखना है। इस तरह से कोई भारी चीज़ प्लेट पर रख दें, ताकि इसमें हवा बिल्कुल ना जाए। मसाला डोसा की स्टफिंग के लिए कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, 1 टीस्पून राई के दाने, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड करना है। इनको अच्छे से सौते कर लेना है। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, उसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें ऐड करना है 1 कप फाइनली चॉप्ड अनियन, 1/2 कप कैप्सिकम है, ये ऑप्शनल है। अब इन दोनों को अच्छे से कुक कर लेना है। थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं अनियन एंड कैप्सिकम के हिस्से का, मिक्स कर लेना है और इन्हें अच्छे से कुक कर लेना है। ग्रीन चिली एंड जिंजर का पेस्ट है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड करना है,
और अब यहाँ पे मैंने 400 ग्राम पोटैटो को सॉल्ट ऐड करके बॉईल करके मैश कर लिया है, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है। यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे दूसरे कोई वेजिटेबल्स और दूसरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पाव भाजी मसाला। तो ये रेडी है, तो मैं इसे अलग बाउल में निकाल लेती हूँ। 8 घंटे हो चुके हैं और डोसा बैटर को चेक कर लेते हैं। वाओ, ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है और आप देख सकते हैं प्लेट के ऊपर ये जो पानी जम गया है वो इंडिकेट करता है कि इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन हो चुकी है। आप इसमें बबल्स देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए आप, इस बैटर में बहुत सारे झाग एंड बबल्स आ चुके हैं। तो गर्मी के सीज़न में इस तरह से फर्मेंटेशन बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाता है, लेकिन अगर विंटर सीज़न होता है तो फर्मेंटेशन होने में 8 घंटे से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है और आपको उसे किसी गर्म जगह पे भी रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह कड़छी पे एकदम बबल्स आ चुके हैं इस बैटर में और अच्छे से फर्मेंटेशन हो चुका है। बहुत ही झाग आ गए हैं और बहुत ही फ्लफ़ी हो चुका है ये बैटर, आप देख सकते हैं। तो बैटर यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसे पतला करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो दाल और चावल को ग्राइंड करने के वक्त ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है वरना बैटर पतला हो जाएगा। तो अभी इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे मिक्स कर लिया है। मुझे थोड़ा सा और पानी ऐड करना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा पानी लिया है और ऐड कर दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। इस तरह से फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला है ये बैटर। और बैटर रेडी है, तो लास्ट में इसमें ऐड करना है सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये परफेक्ट डोसा बैटर रेडी है। तो अब इसमें से डोसा बना लेते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डोसे के तवे पे 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालें, उसको अच्छे से पूरे तवे पे फैला लें और अब इसको एकदम हाई फ्लेम पे धुएंदार गर्म होने दें। जब इसमें से धुआं निकलने लगे तो फौरन गैस की फ्लेम को बंद करके इस तवे को एकदम ठंडा हो जाने दें। उसके बाद फिर से लो फ्लेम पे तवे को गर्म करें। एक टिश्यू पेपर से इस तरह से सारा ऑयल पोंछ लें और अभी तवे को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म तवा है उसके ऊपर इस तरह से डोसा बैटर डालें और इस तरह से राउंड राउंड कड़छी घुमाते हुए डोसा बैटर बना लें। आप चाहे तो यहाँ पे किसी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लेम को एकदम हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक होने देना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डोसा है वो अब गोल्डन ब्राउन होने लगा है। ऐसा होने के बाद ही आपको ऑयल ड्रिजल करना है, इससे पहले आपको ऑयल नहीं डालना है वरना जो डोसा है वो क्रिस्पी नहीं होगा। तो जब यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये डोसा रेडी हो चुका है और ये अपने आप ही अलग होने लगा है तवे पे से, तो ये रेडी है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो एकदम क्रिस्पी डोसा रेडी है। तो इसे मैं आपको तोड़ के दिखाने वाली हूँ कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। वैसे आप देख के ही समझ सकते हैं ये कितना क्रिस्पी है। तो मैं आपको इसे तोड़कर इसकी क्रिस्पी आवाज़ सुनाती हूँ। अब लो फ्लेम पे तवा हल्का गर्म है, उसे फिर से मैं उसी टिश्यू पेपर से पोंछ लेती हूँ और उसके ऊपर इस तरह से डोसा बैटर को स्प्रेड कर लेना है। बैटर स्प्रेड करते वक्त तवा हल्का गर्म और फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। जब ये स्प्रेड हो जाए तो फ्लेम को हाई कर देना है। गार्लिक चटनी बनाने के लिए 3 टेबलस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून पीनट, थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल डालकर मैंने ये गार्लिक चटनी बनाई है। तो इसे थोड़ी सी स्प्रेड कर देनी है, ये थोड़ी सी स्पाइसी है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें।
और अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब जो पोटैटो का स्टफिंग रेडी किया था वो इस तरह से सेंटर में मैंने रख दिया है। आप चाहे तो पूरे डोसे पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है और अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो उसी के बाद हमको ऑयल ऐड करना है। उससे पहले ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं करना है। और अब ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया है और इसके अंदर की आप जाली देख सकते हैं। इसे गर्मा गर्म ही सांभर और कोकोनट की चटनी के साथ सर्व करें। फिर से टिश्यू पेपर से पोंछ लेना है, लो फ्लेम रखनी है और तवा हल्का गर्म होना चाहिए। अगर तवा बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये डोसा बैटर इस तरह से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। बैटर स्प्रेड करने के बाद फ्लेम को एकदम हाई कर दें, इस तरह से गार्लिक चटनी लगाएं, ये ऑप्शनल है। जो स्टफिंग रेडी किया है वो लगाएं, अनियन लगाएं, आप चाहे तो यहाँ पे टमाटर हरा धनिया वो भी लगा सकते हैं। जब डोसा गोल्डन ब्राउन हो उसी के बाद ऑयल डालें, वरना ये जो डोसा है वो चिपकेगा नहीं और इस पे कलर नहीं आएगा, ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो डोसा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो उसके बाद ही ऑयल ड्रिजल करें। और ये रेडी है, आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी है। तो इसे अब मैं सीधा सर्व कर देती हूँ गर्मा गर्म। तो एन्जॉय कीजिए ये यमी यमी टेस्टी टेस्टी एंड क्रिस्पी मसाला डोसा। तो रेसिपी कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही जो बेल का बटन है उसे प्रेस करेगा ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।